हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जेके विजन पर। दोस्तों, दुनिया में 300 से ज्यादा धर्मों का पालन किया जाता है और सबसे बड़ा धर्म है ईसाई धर्म और दूसरे नंबर पर आता है इस्लाम। इस्लाम को मानने वालों की आबादी आज की देज में 190 से 200 करोड़ के लगभग है और पूरी दुनिया में मौजूद 196 देशों में कुल 26 देश ऐसे हैं जो पूरी तरह से मुस्लिम आबादी से भरे हुए हैं और ये नंबर्स लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। आपने आज तक अमीर मुस्लिम देश, शांत मुस्लिम देश या सबसे रईस मुस्लिम देशों के बारे में ही सुना होगा, पर आज हम आपको दुनिया में, क्योंकि आज की टाइम में यहाँ लोगों के पास पेट भरने तक का साधन नहीं है, गरीब 187,000 की आबादी वाले इस देश में 80% से ऊपर मुस्लिम्स बसे हुए और इनमें से लगभग सभी गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजार कर रहे हैं। सीरिया में घूमने का तो सपना छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये वो टाइम है जब सीरिया में रहना भी सेफ नहीं है। टेररिस्ट के अटैक तो जैसे सीरिया के लिए नॉर्मल हो गया है। यही वजह है कि सीरिया गरीब मुस्लिम देश होने के साथ साथ एक खतरनाक मुस्लिम देश भी बन गया। यहाँ आप कह सकते हैं कि ये चलता फिरता एक टाइम बॉम्ब है। बात अगर GDP पर कैपिटा इनकम की करे तो वो इस देश में 4,684 US डॉलर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सीरिया में लोगों का रेनसेन कैसा होगा या यहाँ की हालात कैसे होगी। एक स्टेज बांग्लादेश। दोस्तों, ये वही देश है जो इंडिया से निकला, पाकिस्तान से जुड़ा और पाकिस्तान से निकला तो अकेला उठ खड़ा हुआ। पाकिस्तान से अलग होने के बाद बांग्लादेश को देखकर लगता था कि ये तो तरक्की के मामले में अच्छे अच्छे देशों को पीछे छोड़ देखा, पर चंद गलत नीतियों के चलते आज बांग्लादेश ने अपनी हालत खराब कर रखी है। क्या गंदगी का अंबार तो है ही, साथ ही सुख शांति और पैसा इस देश से दूरी बनाकर बैठ गया। आमतौर पर देश की कैपिटल सिटी सबसे साफ होती है, लेकिन बांग्लादेश की कैपिटल सिटी यानी ढाका एकमात्र ऐसी कैपिटल है जहां के नदियों में कतरा, गली मोहल्लों में कूड़े के ढेर और सड़कों पर सिवाय धूल मिट्टी के कुछ नजर नहीं आता। यकीन मानिए, अगर आप ढाका गए तो एक दिन में ही बदबू के मारे आपके हाल खराब हो जाएंगे और आप उल्टे पैर लाटने को मजबूर हो जाएंगे। खैर, बता दे कि बांग्लादेश में करीब 17 करोड़ लोग रहते हैं और इस आबादी का लगभग 91% हिस्सा इस्लाम को बांध निवारा है। हालांकि आंकड़ों में बाहरी तौर पर देखे तो इस देश में मैन्युफैक्चरिंग नेक्स्ट इज नाइजीरिया। दोस्तों, घरी मुस्लिम देशों की लिस्ट में अफ्रीकाई देश नाइजीरिया का भी नाम शामिल भी है। ये वो देश है जैसे सिर्फ मुस्लिम कंट्रीज में नहीं बल्कि दुनिया की सभी गरीब कंट्रीज की लिस्ट में शामिल किया, पर पश्चिमी अफ्रीका में बसे नाइजीरिया की जनसंख्या जितनी ज्यादा है उतनी ही कम है उनकी इनकम। यहाँ की कुल आबादी है करीब 22 करोड़ और इस आबादी का करीब 50% हिस्सा ऐसा है जो इस्लाम को मानता है, यानी करीब 10 करोड़ मुस्लिम की आबादी है। वही 45% लोग इस आई धर्म का पालन करते हैं। देश में जनसंख्या तेजी के साथ बढ़ती जा रहे है, लेकिन इसी तेजी से बढ़ रहे हैं लोगों के पास रोजगार नहीं। नाइजीरिया में ज्यादातर लोग, पर वह बढ़ रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जहां पॉपुलेशन की बढ़ोतरी इतनी तेजी के साथ हो रही है, पाक तरक्की कैसे हो सकती है। एक स्केल सूडान, ये वो देश है जिसे दुनिया के सबसे गरीब मुसलमान देशों के लिस्ट में नंबर 1 पर गिना जाता है, क्योंकि देश में गरीबी ऐसे ही फैली हुई है जैसे छठे पर मधुमक्खियां। नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में स्थित ये देश बहुत गरीब है। सूडान में कुल 40 करोड़ के लगभग लोग रहते हैं और इस आबादी का लगभग 90% हिस्सा ऐसा है जो गरीबी रेखा से नीचे ही अपने जिंदगी गुजार रहा है। यहाँ की कुल आबादी का करीब 90% हिस्सा इस्लाम धर्म को मानता है। देश में इतनी गरीबी है कि यहाँ के लोग दिन का सिर्फ $1 ही कमा पाते हैं। सूडान में ना लोगों के पास रहने के लिए धन का घर है, ना पहने के लिए अच्छे कपड़े। मनोरंजन क्या होता है ये तो यहाँ की ज्यादातर आबादी को शायद मालूम ही ना हो। देश में युवा बहुत है लेकिन उनके लिए रोजगार बहुत कम हो। शिक्षा का अभाव और गरीबी का बोझ, इन दोनों ने सूडान की लोगों को गंदगी से प्रेम करना सिखा दिया। देश में भ्रष्टाचार इतना है कि लोगों तक आने से पहले योजनाओं का लाभ ऊंचे आवड़ियों पर बैठे लोगों को मिल जाता है और गरीब आवाम ऐसी ही बनी रहती है।
तो दोस्तों ये है दुनिया के कुछ सबसे गरीब मुस्लिम देश। आपका सूडान या इन गरीब मुस्लिम कंट्रीज के बारे में क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल हम चलते हैं, मुलाकात होगी एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।